यहाँ के लोगों के खून में सांसों में हम जहानाबाद मगध मेरे जहान का दिल का टुकड़ा है। 30 सालों में जितनी घटना घटी सिर्फ पप्पू यादव आए। मर्डर हुआ पप्पू यादव, मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ हॉस्पिटल के बगल में पप्पू यादव, लोगों ने दंगा करके जहानाबाद को दो दो बार जलाना चाहे दोनों बार पप्पू यादव, भीतर में पदयात्रा पप्पू यादव। जब कभी किसी भी समाज पर हमला हुआ वहां पप्पू यादव मौजूद रहे। कहां थे उस वक्त नीतीश कुमार, कहां थे उस वक्त ये गठबंधन? आप इसको और हम चाहते क्या है? 30 साल आपको दिया ना नीतीश कुमार जी, एक व्यक्ति के जेब में 100 रुपया नहीं है। क्या हुआ, पहली बार आप आए थे जंगल राज में और एनसीआर कहता है कि आपने पूरा माफिया राज बना दिया। उतनी ही बलात्कार, एक सप्ताह के अंदर 5 बेटियों का बलात्कार, बच्चों को मार दिया जाता है बलात्कार करके, उसके बेटे को मां के साथ बलात्कार और बच्चों को मार के फेंक दिया गया। नीतीश कुमार जी दूसरे बार भ्रष्टाचार पे आए, नीति आयोग कहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे ज्यादा। तीसरी बार आप डीएनए पर आए और 1 लाख पर और आरक्षण पर, आरक्षण तो खत्म हो गया कि रात के 12 बजे जहानाबाद में बेटी अकेले चले। रात के 3 महीने के बाद एक मर्डर हुआ तो उसी दिन पप्पू यादव का जी जाए, घरेलू हिंसा छोड़ के एक भी क्रिमिनल आपको नजर नहीं आएंगे। 6 महीने के अंदर लोकपाल बिल पप्पू यादव पहला लाए। कोई दंगा और कोई जातीय दंगा यदि 6 महीने के अंदर हो गया, 3 महीने और 6 के बीच, तो उसी दिन मेरा रिजनेशन गवर्नर को होगा और मैं बिहार छोड़ के राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। कोई दंगा नहीं होगा, कोई जातीय दंगा नहीं होगा। और 1 साल के अंदर हर हाथ हर खेत को पानी हम देंगे मगध में, और 2 साल के अंदर जब तक हम 20,000 कम से कम बेटियों का इंटर से एमए हम रोजगार नहीं देंगे तब तक 6,000 रुपया हमारी सरकार आते ही हर महीना मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सेवक हैं, हम लोगों के लिए जीते हैं, हम लोगों के बेटे के। सर मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई इन बिहार को नाश करने वालों से। जनता ने मन बना चुका है, ये 30 साल जहानाबाद के किसानों के खेत में पानी नहीं जानी चाहिए। 30 सालों में आपने क्या किया? ये गठबंधन कौन सा गठबंधन है जो एक दूसरे को हराने में आप लगे हुए हैं? आप लोगों को आप आवाज करते हैं और दूसरा गठबंधन का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अनुकंपा पर पहले वाले भागो तीसरे वाले आओ तो बिहार को ये क्या दिशा देंगे? 1 साल नीतीश कुमार के साथ लालू यादव थे, एक नौकरी आपने दिया लालू यादव जी उस गवर्नमेंट में, आपने एक नौकरी दिया तो आप बताइए मैं वापस ले लूंगा। जहानाबाद में क्या कार्यक्रम है? सर जहानाबाद में सभा है सुल्तान अहमद जी, जो पीडीए का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें चंद्रशेखर जी हैं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, अंसारी महापंचायत है, पूरी की पूरी पार्टी हमारी। सर अगर हंग विधानसभा होगी तो आपके समर्थन किसको रहेगा? सर कंप्लीट रूप से जो 30 साल बिहार को बर्बाद किया, जिस 3 साल में हमारे यूथ की जिंदगी हराम कर दी, एजुकेशन और हेल्थ को कलेप्स कर दिया, एमएसपी किसानों का न्यूनतम कर दिया, यही नीतीश कुमार 2006 में। मजदूरों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, वो वापस चले गए, फिर स्किल नहीं हो सका। आईटीआई 30 लाख बच्चे नौकरी के बगैर बैठे हुए हैं, नियोजित और